लोकतंत्र पर भरोसा रखता है उसके लिए खुशी का दिन है। बीजेपी को एक ही सलाह है कि ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं, अभी उनको और निराशा हाथ लगे। दिल्ली के अंदर 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी लीडर आदिल खान मौजूद हैं। सर, 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है, कैसे उत्साहित हैं आम आदमी पार्टी किस तरीके से? देखिए, नहायत ही खुशी का दिन है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि दिल्ली के एक एक उस इंसान के लिए, देश के हर व्यक्ति के लिए जो संविधान पर भरोसा रखता है, जो लोकतंत्र पर भरोसा रखता है, उसके लिए खुशी का दिन है। और आज हम सब लोग खुश हैं, आज संविधान की जीत हुई है। हम आज आपके चैनल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ी जीत है। आने के बाद, मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद उनके पदभार की अगर बात की जाए तो क्या फिर से वो अपना पदभार संभाले? पहले उनको आने दीजिए, उसके बाद जो उनको संभालना होगा संभालेंगे। बीजेपी कह रही है ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, जमानत पे बाहर है वो। बीजेपी ज्यादा निराश है। बीजेपी को एक ही सलाह है कि ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं, अभी उनको और निराशा हाथ लगेगी। चुनाव आने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं? और अरविंद केजरीवाल वो जेल में है, तो क्या लग रहा है मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं उनकी जमानत का रास्ता भी खुलता है? दिल्ली के अंदर 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है और बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे आदिल खान, जिन्होंने खुशी जाहिर की है मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद और किस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा है, कि कहा है कि इस समय बीजेपी डरी हुई है और खुशी की लहर है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में। और अब आप क्या सोचते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी जेल में है और कहीं ना कहीं उनका रास्ता भी अब खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।